फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश आज आप लोगों को दोस्तों पायरिया के बारे में बताएंगे। तो पायरिया एक कॉमन समस्या है, हर एक व्यक्तियों को होता है। कहने का मतलब है कि 100 में 90% लोग पायरिया के शिकार होते ही होते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, इस समझिए कि खुद ही इसका कारण है पायरिया का। जो लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं उन लोगों को पायरिया का प्रॉब्लम होता ही होता है। तो पहले आप ये जान जाए कि पायरिया कहते किसको है, पायरिया के काउजेज क्या क्या हैं, पायरिया के साइन और सिम्टम क्या क्या हैं, और पायरिया के बस एक होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताएंगे जो बहुत ही बेटर काम करती है। तो पायरिया के काउजेज क्या है पहले आप ये जानेंगे। तो काउजेज तो पहला है तो जेनेटिकल काउजेज है, तो जिसके माता पिता को पायरिया का प्रॉब्लम है उसके लड़कों में पायरिया का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद जो लोग ठीक से खाना चबा चबा कर नहीं खाते हैं उन लोगों को पायरिया का प्रॉब्लम होता है। जो लोग टोबैको ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को पायरिया का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो लोग डायबिटीज पेशेंट हैं उन लोगों को पायरिया का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं उस वजह से पायरिया का प्रॉब्लम होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को पायरिया का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ हैं काउजेज हैं जिसके वजह से पायरिया का प्रॉब्लम होता है। साइन सिम्टम क्या इसे भी आप जान जाए। तो मसूड़ों का लाल हो जाना, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों से खून आना, ये सब साइन सिम्टम है। मुंह से बदबू आना, ये सब साइन सिम्टम है पायरिया के। तो पायरिया के लिए दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेटर से बेटर होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। तो उसमें तो बस पहले हम आप लोगों को एक पाउडर बताएंगे, उस पाउडर का नाम है बीजल, एक लावा टूथपेस्ट है। इसे आप सुबह शाम पाउडर को हाथ पर लेकर के और फिंगर से बढ़िया से करें और उसके बाद पानी से मुंह को धो लें। तो ये जो एक लावा जो पाउडर है बहुत ही बेटर काम करती है। और उसके बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खून की समस्या है तो वो लोग मक्सोल मेडिसिन ले लें 200 पावर में, 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम, बहुत ही पायरिया केस में बहुत ही बेटर काम करती है। और एक चीज़ और इसमें भूल गए बताने के लिए कि जो बीजल टूथपेस्ट के अलावा का है, ये अगर गम से ब्लीडिंग हो रही है, अगर मसूड़े से खून आ रही है और मुंह से बदबू आ रही है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेटर पाउडर है। इसे आप सुबह शाम 2 बार अंगुली से ही ब्रश कर लें और उसके बाद मुंह बढ़िया से धो लें। और 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम नरसुबह मेडिसिन जिन लोगों को ज़्यादा खून की प्रॉब्लम होती है, मसूड़ा दांत हिल रहा है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेटर काम करती है नरसुबह। तो दोस्तों बस ये 2 मेडिसिन कॉमन पायरिया के लिए बेटर है। उसके बाद पायरिया और भी चीज़ है तो सिम्टम पर ही हमने पैथिक मेडिसिन की बात है। तो ये 2 चीज़ कॉमन चीज़ बताया, इसे अगर कॉमन प्रॉब्लम पायरिया का है तो उसे पेस्ट को लेकर के आप यूज कर सकते हैं। और साथ में मक्सूल मेडिसिन जो आप लोगों को बताया कि ये मक्सूल मेडिसिन 4 बजे सुबह 4 बजे शाम का बहुत ही बेटर काम करती है पायरिया केस में। तो मेरा दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आगे भी इस तरह के वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे जिससे आप जानकारी लेकर के खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकें। कहने का मतलब है पायरिया जो चीज़ है उसे आप खुद ठीक कर सकते हैं, बस थोड़ी सी टाइमिंग खुद अपने आप को दें और पायरिया का प्रॉब्लम से कोसों दूर भाग। क्योंकि पायरिया का अगर प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारे उससे भी रोग उत्पन्न होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए।